तो शायद गाड़ी निकल जाएगी और टच नहीं होगी, बंपर टच नहीं होगा इसके बाद। पूरा कांच, कांच की बोतलें, दारू की बोतलें, देशी दारू, ये पुराना है और ये नया है। पास पास, मुझे भी लेना है पास पास। अच्छा गांव वालों, गांव वालों, तो चाय रेडी है, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, और देखिए ब्रेड भी, ब्रेड भी रेडी है। ब्रेड इज आल्सो रेडी। नर्मदा मैया की सेल्फी ले लेते हैं। इस जगह को विदा कहने का समय आ गया है। क्या पता अगली जो कैंपिंग हमारी स्पॉट होगी वहां भी हमें नर्मदा मैया की गोद मिलेगी। एक बार यहाँ भी हम हो आते हैं, बीच में रुके। देखो ये है नर्मदा मैया का घाट। आओ आओ आओ। नर्मदा माँ की एक ही इच्छा, प्राकृतिक कृषि करे हर बच्चा। तो दूसरा ले लिया यहाँ से, ठीक है। आपने क्या लिया? पास पास, मुझे भी लेना है पास पास। पैसा तो जल्दी, चेंज चाहिए। चेंज तो होगा कि नहीं? जल्दी दे दो, पास पास लेना है। डॉक्टर कुमार क्या देख रहे हैं? अच्छा मोवा, यहाँ का लोकल, ये वाला मोवा डिस्टिल्ड लिकर बनता है। अच्छा, इससे देशी दारू? ये पुराना है, मोवा है। और ये नया है। तो ये बोल रहे थे ऐसी भी खाते हैं इसको, डायरेक्टली डायरेक्टली भी खाते हैं इसको। नशा नहीं चढ़ेगा, बट दारू बनाए, जब दारू बनाएंगे तो फिर नशा चढ़े। अच्छा डॉक्टर कुमार है इसका, ये परचेस करे, आधा किलो ले रहे है ना? क्या करेंगे, घर पे बनाएंगे मोवा? नहीं, खाएंगे ना, सबको खिलाएंगे। ठीक है, आई ट्राई। कैंप पे सबको खिलाएंगे। अच्छा फ्लावर, वो उसका पेड़ ही मोवा का होता है ये? मोवा का पेड़ होता है। अच्छा, और ये फ्लावर है? जहाँ से बार्गी डैम का पैनोरामिक व्यू आ रहा है। बाहर निकल के मैं आपको दिखाती हूँ, और पेश है आपके सामने ये नजारा, देखिए। देखा अपने दर्शकों को, बताया कि यहाँ पे ये फेवरेट पिकनिक स्पॉट है, शायद लोग खाना वाना लेके आए हैं और पिकनिक कर रहे हैं। वो वहाँ तक ये अच्छा लग रहा है बड़ा। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहीं पे रुक जाए या आगे जाए, कोई और जगह देखे। इतनी अच्छी जगह है, फिर भी देखो क्या हाल बना रखा है। पूरा कांच, कांच की बोतलें, दारू की बोतलें फोड़ फोड़ के रख दिए है। पूरे मैदान में कचरा है, देखिए इतना अच्छा व्यू पॉइंट है, फिर भी आप देखिए कचरा, देखिए ये कचरा। वो जगह पता कर सकते हैं अपन, सुधरेंगे नहीं लोग, माहिर है। अच्छी जगह को कैसे बर्बाद किया जाए, इसमें माहिर है हम लोग, है ना? सारे देखिए कैसे ये प्लास्टिक की बोतलें और कांच की बोतलें फोड़ फोड़ के रखा है। हम यहाँ रुकने का सोच रहे थे, लेकिन इतना कांच है ना कि आप जरा भी चप्पल या स्लीपर निकाला तो आपके पैर तो बिल्कुल
लहलुहान हो जाएंगे। तो स्पॉट मिल गया है हमें कैंपिंग का, यहाँ से नीचे उतर के फिर यहाँ कहीं पे अंदर जाएंगे जहाँ पे डैम है, डैम का पानी मिल सकता है। तो देखिए ये सारी गाड़ियाँ 4x4 है, तो वहाँ से निकाल लेंगे नीचे। शायद गाड़ी निकल जाएगी और टच नहीं होगी, बम्पर टच नहीं होगा इसके बाद। ये स्पॉट पे हम पहुंच गए, यहीं पे हमने अभी हम गाड़ी की टंकी में पानी भर रहे हैं। एक दिन यहाँ पे कैंपिंग करेंगे तो पानी चाहिएगा। और ये देखिए इस तरह से हम अपनी पानी की टंकी रिफिल करते हैं। ये देखिए पानी साफ है, वैसे साफ क्लीन, पानी भी क्लीन है। ये बिल्कुल डैम का जो पानी है वो आ रहा है और ये सीधा जा रहा है पानी की टंकी में, गाड़ी में ले जाओ यार। डांट पड़ेगा ना बाद में। पहले बोला था, किसने बोला उतार ले को? वो डांटते हैं मुझे, मेरी डांट सुनते हैं वो। इस जगह पे भी काफी सारी लोग है और यहाँ पे पिकनिक मना रहे, खाना पका रहे। पैसे सिटी बजाइए। अरे वाह, ऐसी सिटी बजेगी तो मैं जरूर चाय पीने आऊंगी। ठीक है, श्योर। अंकल जी का कैम टेबल सब सज गया है और चाय भी रेडी है। आंटी क्या होता है, पहले जब हम बाहर से घर जाया करते थे तो मम्मी है ना चाय बना के रखती थी, अब आप देखो आप मिल गई। अच्छा गुड़ बाहर रखा है। ये देखिए गर्मा गर्म चाय, मठरी। हाँ ये देखो मठरी है, क्या बात है। तो सेटअप हो गया लेकिन अभी टॉयलेट भी लगाना पड़ेगा ना। सबसे मुश्किल काम। देखिए यहाँ पे फोल्डिंग टॉयलेट लगेगा वहाँ पे। कैंपिंग में ये तो करना पड़ेगा, कैंपिंग करनी है तो ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो उठानी ही पड़ेगी। मुझे हरीश को हेल्प करनी है, वहाँ जाके उसको खुदाई में हेल्प करनी है। देखो कल्पेश भाई का टॉयलेट टेंट, कुमार का और यहाँ हमारा हो रहा है। देखिए हमारा ढोकला रेडी, ठंडा भी हो गया ये सॉस। आपने चखा टोकला? नहीं अभी तो। आबू में देखा, आउट आबू में। इधर वो जिधर गए थे ना वो दिलवाला। ये गरम गरम ढोकले खा लो। ओ ये कलर बदल गया इसका। गरम गरम ढोकले खा लो। अरे आ जाओ आ जाओ गांव वालों, गांव वालों, गांव वालों आ जाओ शहर वालों। राजीव भाग के आएगा अभी। राजीव भाग के आएगा। और एक राउंड रखा है, अभी और एक प्लेट बन रही है।